हो जाए, सम्मान का तो लगा रहेगा। बस भैया हास्य के धुरंधर रचनाकार है आदरणीय राधे श्याम भारती जी, जो इलाहाबाद से आते हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। अभी ये ट्रेन में आ रहे थे तो इन्होंने टीटी को रोक के बोला, भाई तुम्हारे रेलवे ने बहुत तरक्की की है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन यार ये जो टॉयलेट में मग्गा बधा रहता है चैन से, अबे उस चैन की लंबाई कम से कम इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। भैया वो टीटी बनारस का था, उसने जवाब दिया, हुजूर मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकाम को आगे पीछे सरका सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब्बा गाजीपुरी ने एक शेर पढ़ा था बहुत पहले कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुए मौलवी जी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। मित्रों हास्य का माहौल है। मैं देखिए छोटी छोटी व्यंग कविताएं हैं मेरे पास। राधे श्याम भारती जी के आने के बाद, पढ़ने के बाद, चूंकि जब एक बहुत बड़ा कवि पढ़ता है तो उसके बाद घंटा नहीं कोई किसी का सुनता है, तो आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि एक छोटी सी रचना सुना दूं आप लोगों को, बड़ा अच्छा रहेगा। बनारस से मित्रों मैं बनारस का झंडा लेकर के चैनलों में जाता रहता हूं। एक टीवी चैनल से फोन आया कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद चैनल से कॉल बैक आता है, उन्हें कहा रुपया गिर रहा है, इस पर तो पढ़ना है, जरा ख्याल रखिएगा बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा आलोक भैया, मैंने कहा कि रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों, मोदी जी की कोई गलती। मैंने बचाव किया, मैंने कहा नहीं मैंने वोट दिया था उनको, तो कहे गरियाने जाए। मैंने बचाव किया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। मैं कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती। हाँ अब अच्छा लग रहा है भैया। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एंडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। देखिए अभी चुनावी माहौल चल रहा था, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था। ये मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब न्याय के देवता हैं, एक तरह से न्याय के देवता हैं, और आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। एक व्यंग कविता आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढांचो ढांचो ढांचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी गधों को। बहुत अच्छा लगा मित्रों। पिछले दिनों हम लोग गए थे जेल में, सेंट्रल जेल में भी कभी सम्मेलन होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, वहां भी एक बजट आता है। तो जेल में कवि सम्मेलन हो रहा था, एक सामने ही कैदी बैठा हुआ था, उससे मैंने परिचय पूछा। मैंने कहा तुम क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि मुजावर खान। मैंने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं साहब, बम बम फोड़ते हैं। तो हम कहा यार हमारे यहाँ भी एक आध बार फोड़ो, बहुत दिन हो गया फोड़े, लगभग 8-10 साल हो रहा है। बहुत यादें ताजा करने का नहीं दमदार भाई, आजकल कचहरी उचहरी में बम ब्लास्ट करना थोड़ा कठिन हो गया है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, आजकल लोग होशियार हो गए हैं भाई। हमारी बम फोड़ने की प्रक्रिया भी 3 चरण में होती है। हमारा पहला आतंकवादी जाता है, साइकिल खड़ा करके आता है भीड़ भरे इलाके में। दूसरा आतंकवादी आधे घंटे बाद जाता है, उसमें बम सेट करके आता है। तीसरा आतंकवादी जाता है तो ब्लास्ट करता है। हमने कचहरी में लगभग जितनी भी बार साइकिल खड़ी की, आधे घंटे बाद साइकिलें गायब हो। कचहरी के लोग समझदार हो गए, थोड़ा कठिन काम है।